नीट जैसी इतनी बड़ी कैंसर से ज्यादा परेशानी है, एनटीए जैसी संस्था को बंद होना चाहिए। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अभी तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ा सरकार को। 7 RCR संसद में जनता घुस जाएगी ना, फिर पता चलेगा इनको। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है, सरकार बैसाखी की सरकार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और एक बार फिर से विपक्ष नीट के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर रही है और जंतर मंतर पर तमाम युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग नीट के मुद्दे को, 25 लाख के युवाओं का भविष्य खतरे में और आप लोग उसे राजनीति किए जा रहे हैं। आपको लगता है राजनीति हो रही है? विपक्ष का क्या काम होता है? सरकार को चेताना कि युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलो आप। सरकार क्या कर रही है? युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। नीट जैसी इतनी बड़ी कैंसर से ज्यादा परेशानी है, समझिए आप। सरकार को समझ नहीं आ रहा, युवाओं की जिंदगी खराब हो रही है। सरकार ने कह दिया कि कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी बताइए? कब से सरकार कह रही है? पिछले 10 सालों से सरकार कह रही है एनटीए जैसी संस्था को बंद होना चाहिए। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूँ आज राहुल जी किसकी बात कर रहे हैं? युवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात कर रहे हैं और छात्रों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, अभी भी ये आज का जो कार्यक्रम है ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम है, आप समझिए, इंडिया गठबंधन के यूथ फ्रंटल का कार्यक्रम है। और वही छात्रों की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अभी तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ा सरकार को। देखिए आप बताइए, राहुल जी लोको पायलट की बात करते हैं, बताइए आप। राहुल जी मजदूरों की बात करते हैं, राहुल जी किसानों की बात करते हैं, दलितों की बात नहीं। कौन कहता है क्या बात कर, मैं दलित हूँ, मुझे पता है। राहुल जी दलितों की बात करते हैं, हाथरस में क्या हो रहा है बताइए। राहुल जी चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, माइनॉरिटी हो, सभी की बात करते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें देश में सभी है भाई भाई। अभी तो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी ने ऐसी कोई लाइन नहीं बोली, आप मुझे बता दिए राहुल जी ने हिंसक बोला है। ये सरकार काट छाट के एडिटिंग करके, सुनिए, हिंदू विरोधी एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है हिंदू विरोधी चेहरा है राहुल गांधी। देखिए मैं बता दूं, राहुल जी ने ये बोला है कि हिंदू कभी विरोधी नहीं हो सकता है इस देश का, समझिए। राहुल जी क्या बात करते हैं और ये क्या करते हैं, इनका काम है एडिटिंग करना। अब बताइए संसद, सुनिए, गांधी को कोई मतलब नहीं है किसी युवा से, किसी दलित से, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है राजनीति हो रही है? किस लिए राजनीति कर रहे हैं मुझे बताइए, किसकी राजनीति कर रहे हैं बताइए आप। चुनाव आने वाले हैं, मैं बता दूं, राहुल जी नरेंद्र मोदी जी से सीनियर है सांसद बनने में, समझिए आप। राहुल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सांसद बने, राहुल जी कितनी बार बन चुके हैं? 5वीं बार बने, समझिए आप। तो अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना हो तो पहले बन जाते, जब सरकार यूपीए की सरकार थी, आपको समझना पड़ेगा। मगर राहुल जी को सिर्फ इस जनता से मतलब है, देश के विभिन्न मुद्दों से मतलब है। खून में है ना कि लोगों की बात करनी है। इंदिरा जी का क्या काम था, नेहरू जी का क्या काम था, राजीव जी का क्या काम था? जनता की बात, जनता के साथ। और राहुल जी क्या कर रहे हैं? जनता की बात, जनता के साथ। मोदी जी भी तो जनता की बात। सुनो, मोदी जी क्या कर रहे हैं? जनता की बात। क्या जनता की बात करी? देखिए आप, रिचार्ज इतना महंगा कर दिया, सोचिए। लोको पायलट बताइए कितनी भर्ती है, कितने पद खाली है लोको पायलट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, मजदूर पैसा बचा पाता है? किसानों के लिए क्या हाल है? आय दुगनी करनी थी, ऋण माफ करना था किसानों का, क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूँ बहुत परेशानी है देश के अंदर। और ये जनता, सरकार क्या करती है संसद के अंदर? बालक बुद्धि, अरे बालक बुद्धि तो आप हो, आपको किस पे चर्चा करनी चाहिए और आप क्या कर रहे हो? मजदूरों की बहुत बुरी दुर्गति हो रखी है आज के समय। राहुल जी ने मुद्दा उठाया भी है,
लोको पायलट बताइए, चार दो दो तीन तीन दिन नाइट लगाते लगा के काम करते, बताइए कंटिन्यू काम करते, पायलट नहीं है। सोचिए लोको पायलट के लिए सोचिए, इतनी बड़ी समस्या है और ये सरकार कुछ नहीं है, एसी के बंद कमरों में बैठी है और सिर्फ वहां से बाहर आती है, एक भाषण कहती है कि राहुल जी हिंदू विरोधी हैं। अरे अरे क्या बात कर रहे हो आप, आप मुझे बता दीजिए, झूठ मूठ की कुछ भी खबरें बता रहे हैं राहुल गांधी, गलत अफवाह सदन में पेश कर रहे हैं और वो कुछ ना बोले। अच्छा बताइए, हाथरस में इतनी बड़ी परेशानी हो गई, क्या नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री गए ना पर गए हैं जब राहुल जी गए समझिए मिला नहीं परेशानी देखो तीन दिन पहले की है, वो कब जा रहे हैं, राहुल जी पहले जाते हैं उसके बाद ये जाते हैं, आप मुझे बताइए परेशानी कितनी है, राहुल जी क्यों जाते हैं, राहुल जी को पता है, जनता की नब्ज को पता है, राहुल जी को पता है कि परेशानी क्या है, किस चरम तक परेशानी है, समझिए आप। अरे बता तो दिया मैंने आपको, अरे आप बताइए अग्निवीर योजना में जो एक शहीद हुए हैं उनको क्या दर्जा मिला शहीद का, ये राजनाथ जी कहते संसद भवन में कि 1 करोड़ रुपए हमने दे दिया, अब आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिया है नहीं दिया, वालों तो कह रहे हैं कि दिया है, परिवार वालों ने मुझे बताओ कहाँ बोला है, गलत बात झूठ बोल रहे हो आप भी मुझे लग रहा है, आप भी मुझे लग रहा है इस सत्ता टीवी पे खबर मिले, आप भी मुझे लग रहा है सत्ता के साथ मिल चुके हो आप, कहाँ बोला है उन्होंने, क्या बात कर रहे हो आप, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला, टीवी पे झूठी खबर, बिल्कुल झूठी खबरें दिखाते हैं। मैं बता दूं ये सरकार कोई मतलब नहीं है, और यही अगर ऐसा चलता रहा ना तो याद रखिए 7 RCR संसद में जनता घुस जाएगी ना, फिर पता चलेगा इनको कि सत्ता के सुनो युवाओं के साथ भड़का रहे मैं भड़का नहीं रहा अपन अच्छा आप मुझे बताइए, बच्चे को परेशानी होती हो माँ बाप से बोलता है, जनता को परेशानी सरकार से बोलेगी, सरकार अनसुनी करेगी तो कहाँ जाएगी, बताइए आप, बिल्कुल घुसेगी देखना, आज नहीं तो कल घुसेगी, युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है, ये जनता क्यों इकट्ठी हो रही है, क्यों परेशानी नहीं बता बताइए आप, इसलिए आज राहुल जी पूरी विपक्ष की बात कर रहे हैं पूरे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मणिपुर में आज राहुल जी गए, मणिपुर क्या नरेंद्र मोदी जी गए हैं, क्यों नहीं जा रहे, तमिलनाडु भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह तमिलनाडु नहीं यह गलत करो, अभी धीरे धीरे आज मणिपुर है कल वहां जाएंगे, जहां परेशानी हाथरस गए, लोको पायलट से मिले, मजदूरों से मिले, आज मणिपुर गए, तो ऐसे जा रहे हैं राहुल जी, और आप नरेंद्र मोदी बताइए कहाँ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जाते विदेश, रूस कभी अमेरिका, क्या करना है, रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो अच्छे हो रहे हैं, मुझे बताइए आज देखिए छोटे से छोटा देश भी भारत को आंखें दिखा रहा है, बताइए आप, भारत आंखें दिखा रहा है, ये गलत कह रहे हो आप, पाकिस्तान देखिए आप, नेपाल देखिए आप, श्रीलंका देखिए आप, बांग्लादेश देखिए, सब देखिए, हमारे किससे रिश्ते अच्छे हुए हैं बताइए, सब जगह तो रिश्ते खराब हो गए हमारे, पाकिस्तान तो दुश्मन देश नहीं, बिल्कुल ये गलत कह रहे हो, आज मैं बता दूं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है, और अभी अभी देखना आप, वैसे भी ये सरकार बैसाखी की सरकार है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्या कहते बैसाखी की सरकार है जनता उखाड़ने के लिए, नहीं आप बता रहे थे नहीं अग्निवीर को पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, ये परिवार है, ये खुद परिवार देख लो आप ये देखो, ये खुद परिवार बोल रहा है कि मेरे को पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद जब मीडिया चलती है, मीडिया जाती है उनके घर पर जाकर पूछा जाता है, मीडिया पर ऐसे खबरें चलाई गई, नहीं मीडिया को मीडिया दिखाती कहाँ है, मीडिया रियलिटी दिखाए डंडा चला देती है, मोदी सरकार क्या है, हर तरह से CBI ED इन्हीं से सरकार चला रही है, और क्या चला रही है सर, राहुल गांधी जी राजनीति करते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, दलित की, पिछड़े की, हर वर्ग की राजनीति करते हैं, वो गरीबों की राजनीति करते हैं, मोदी जी अडानी से मिलते हैं, अंबानी से मिलते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के एरोप्लेन में चलते हैं, राहुल गांधी जी चलते हैं बैठते हैं मजदूरों के बीच में, पैदल चलते हैं मजदूरों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, राहुल गांधी जी बोलते थे ना भाई ये इसका कोठी का लाल है,
तो लगातार जो है आवाज उठ रहे हैं और यूपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए जो यहाँ पर एक बैनर देखिए वेक अप पेपर लीक सरकार, वे तो चाहे वो पूरा भाजपा सरकार हो यूपी सरकार हो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पेपर लीक की खबरें आती है और बीजेपी सरकार और नीट को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार गिरा देने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि युवा नाराज है इस सरकार से और युवा नाराजगी में सरकार गिरा सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।